जेई मेन 2024 का अगला ये सवाल देखते हैं जो 30 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। कह रहा बिग ड्रॉप इज फॉर्म्ड बाय कोलिजिंग 1000 स्मॉल आइडेंटिकल ड्रॉप्स, 1000 आइडेंटिकल ड्रॉप्स को मिलाते हैं तो एक बड़ा ड्रॉप बनता है वाटर का। इफ इवन बी द टोटल सरफेस एनर्जी ऑफ 1000 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड ई टू बी द सरफेस एनर्जी ऑफ सिंगल बिग ड्रॉप ऑफ वाटर, देन ई वन बाई ई टू इज एक्स बाई वन, वेयर एक्स इज, जो सरफेस एनर्जी है उसका रेशियो एक्स बाई वन दिया हुआ है, उसमें एक्स की वैल्यू क्या होगा बताना है। ओके सर, तो सबसे पहला काम कि सरफेस एनर्जी जो होता है वो सरफेस एरिया ई वन जो है वो 1000 ड्रॉप्स का है, तो ये 1000 इंटू सरफेस एरिया ए वन इंटू टी होगा, और ई टू जो होगा वो बड़ा वाला जो ड्रॉप है उसका सरफेस एरिया इंटू टी। बड़ा वाला एक ही ड्रॉप है तो एक ही होगा, ई वन में 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि छोटा छोटा 1000 ड्रॉप्स है तो सबका टोटल एनर्जी ई वन दिया हुआ है। अब अगर यहाँ से बात करें तो जो रेशियो है ई वन बाई ई टू वो होगा हमारा ए वन इंटू 1000 डिवाइडेड बाई ए टू, फाइन। और आप इसको कह सकते हैं ए वन क्या होगा, 4 पाई R1 स्क्वायर, 4 पाई R1 स्क्वायर इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 4 पाई R2 स्क्वायर, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर पे आके फंस गया है। हाँ सर, ये R1 R2 का रेशियो कैसे मिलेगा, तो आप देखिए जब आप ड्रॉप ड्रॉप में तोड़ते हैं किसी भी चीज़ को तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है पर वॉल्यूम सेम रहता है, एक बड़ा सा ड्रॉप और दूसरी तरफ ढेर सारा छोटा छोटा ड्रॉप, ये पूरा ऐसे ऐसे 1000 नंबर में है, ठीक है। इसका रेडियस R1 R2 और इधर वालों सबका रेडियस है R1। हम कह रहे हैं वॉल्यूम बराबर होगा, वॉल्यूम बराबर होगा मतलब 1000 ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो होगा 4/3 πR1³, ये बड़े वाले अकेला सिंगल ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर हो गया, यानी 4/3 πR2³, 4/3 π, 4/3 π दोनों तरफ है, कट गया। R1 R2 का जो रेशियो होगा R1 / R2 का होल क्यूब जो होगा वो कितना होगा, 1/1000, और इसको हम 1/10 का होल क्यूब लिख सकते हैं, यानी R1 / R2 जो है सर वो आप कहना चाह रहे कि ये 1/10 है। हाँ बिल्कुल, तो सवाल हो गया सॉल्व, R1 / R2 है 1/10 उसका स्क्वायर इंटू 1000 मतलब 1000/100, काट दीजिए 2 0, फाइनल आंसर क्या होगा 10, कि रेशियो कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, चेक कर ले आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी कई बार सवाल पूछा जाता है सरफेस टेंशन का, तो जेई मेन के कुछ क्वेश्चंस आप अगर कर लेते हैं, अगर आप जेई मेन एस्पिरेंट्स हैं तो ये सवाल आपके लिए बहुत क्रूशियल है, आपका स्कोर बहुत बूस्ट करेगा, आपको पैटर्न समझ में आएगा, इसलिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलने वाला है।